कैथल से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पटवार भवन कार्यालय पुंडरी से पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि भाणा गांव निवासी संजय ने बताया कि वो दो भाई हैं और जमीन के बंटवारे के लिए खेवट अलग करवाने के लिए बार बार पटवारी के चक्कर लगा रहा है, जिसमें फतेहपुर पुंडरी निवासी राहुल पटवारी ने खेवट बदलने की एवज में 11,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की। भाणा निवासी संजय ने जब इसकी सूचना इंस्पेक्टर सूबे सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल को दी तो विजिलेंस टीम ने पटवारी राहुल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी राहुल से 10,000 रुपए रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। देखें इस रिपोर्ट में। संजय जी, कहाँ से हो? भाणा से जी। क्या कुछ शिकायत थी आपकी? शिकायत ये जो मैंने पटवारी को हमारे दो नुभाई होगा बंडवारा की वो आया था जमीन में वो अलग करवा रहे थे खेवट, उसकी एवज में ये मेरे को कई चक्कर लगवा चुका है मेरे से। अब ये पहले 11,000 रुपये डिमांड कर रहा था, फिर कल मैंने जब इसके पास पहुँचा तो ये 10 पे आ गया। फिर मैं यहाँ साहब जी के यहाँ इनको शिकायत दी और ये कार्रवाई आज इन्होंने की। कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे थे इसके लिए? चक्कर तो जी मैंने 14 तारीख को दी थी जी इनको, जो भी काम करने के लिए था मेरे खेवट का, जब से चक्कर ही लगा रहे हूँ जी। क्या 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 बोला कुछ नहीं, क्या कमी है? कमी कुछ नहीं कह रहा था जी, बस पैसे की डिमांड कर रहा था। पैसे दोगे तभी दूंगा। हाँ, पहले भी इसकी शिकायत वगैरह आई है आपने सुनी होगी? पहले मैंने तो काम ही अभी पड़े जी। इंस्पेक्टर सूबे सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल, क्या कुछ कार्रवाई की गई है आज? शिकायतकर्ता संजय है, एक दरख्वास्त ले गया कार्यालय में पहुंचा, जिसने कहा कि मैं पटवारी राहुल से खेवट अलग कराने के नाम अलग करवानी है, जिसकी एवज में मेरे से पैसे मांग रहे हैं। तो आज उसने एक दरख्वास्त दी और इस प्रकार कार्रवाई करते हुए राहुल को पटवार कार्यालय पुंडरी से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता कहाँ का सर है? ये भाणा का है। तो काम कर दिया उसका? नहीं, अभी तो पेंडिंग था उसके पास काम। कितने पैसे मांगे थे? 10,000 रुपये। कितने खेवट थे सर? दो भाई हैं इनके, 10 किले 12 किले लगभग जमीन थी, उनको अलग अलग दो खेवट तैयार करनी थी। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये कार्यालय पुंडरी पटवार भवन से। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? बस आगे तफ्तीश जारी है, तो इसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बरामदी हुई है सर? हाँ, 10,000 की बरामदी। नाम क्या है इसका, कौन सा? राहुल पटवारी, गाँव फतेहपुर पुंडरी।